महेंद्रगढ़ में 152 डिग्री इन कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे गांव बचेनी के पास कार ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे एक 2.5 साल की बच्ची, एक महिला तथा व्यक्ति सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक 10 साल का लड़का और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को एम्बुलेंस के माध्यम से नागरिक अस्पताल पहुंचाया, वहीं घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमेश निवासी नांगलोई धर्मेंद्र की पत्नी 2.5 साल की बच्ची निशा आरव स्विफ्ट VDI कार में सवार होकर नारनौल जा रहे थे। 152 डिग्री ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे बचीनी के पास कार ने आगे जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी। निशा व आरव गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमेश धर्मेंद्र की पत्नी व 2.5 साल की बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद शवों को कार से निकलवाया, उसको एम्बुलेंस के माध्यम से नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। उपरोक्त दोनों घायलों को नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे में कार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। समाचार लिखे जाने तक परिजन मौके पर नहीं पहुंचे थे। शवों को शवगृह में रखवा दिया गया है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी सोताज सिंह ने बताया कि गांव बचीनी के पास 152 डिग्री ग्रीन कॉरिडोर पर कार और ट्राली की टक्कर हो गई। कार में सवार 6 लोगों में से 4 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा ट्राली की वजह से हुआ है। सर, एक बचीनी के पास सड़क हादसा हुआ है, क्या मामला है? आज करीब 1:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 152 डी पर बचीनी और फ्लाई के पास एक स्विफ्ट गाड़ी का ट्राले का एक्सीडेंट हो गया। मौका पर पहुंचे तो स्विफ्ट गाड़ी में 6 व्यक्ति थे, जिसमें मौके के ऊपर 4 की मृत्यु हो गई, 2 इंजर्ड हो गए, जिनको उपचार के लिए महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में भेजे गए हैं। और ट्राला की गलती से एक्सीडेंट हुआ है। ट्राला के जांच के लिए टोल के ऊपर फुटेज के लिए एक अलग से SHO शहर महेंद्रगढ़ गई हुई है और कार्रवाई जारी है। परिजनों को सूचित कर दिया, परिजन पहुंचने वाले हैं।